तीसरी लहर में जहां देश के लोगों की नींद हराम करके रख दी है, वहीं तमाम लोग अभी लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे हैं। तेजी से बढ़ रहे कोरोना की रफ्तार को थामने के लिए मथुरा रेलवे जंक्शन पर मास्क का प्रयोग अनिवार्य किया जा चुका है और ना लगाने पर जुर्माना तक लगाने के निर्देश विभाग द्वारा दिए जा चुके हैं। मथुरा जंक्शन पर आम आदमी से लेकर रेलवे विभाग के कर्मचारी अधिकारी खुलेआम लापरवाही बरत रहे हैं। वहीं यात्रियों के साथ साथ आरपीएफ और जीआरपी कर्मी भी कोरोना की गाइडलाइन का खुला उल्लंघन कर रहे हैं। यहां किसी को रोकने वाला कोई नहीं है। कोरोना की तीसरी लहर इस वक्त तेजी से अपने पैर पसार रही है। अगर हम बात मथुरा की करें तो मथुरा में भी बड़ी तेजी के साथ नए केस आ रहे हैं। अगर आज हम देखें तो 306 नए कोरोना के संक्रमित पाए गए और मथुरा में यह आंकड़ा बढ़कर 1260 पहुंच गया, यानी 1000 से अधिक कोरोना के एक्टिव केस वाले जो जनपद है उसमें मथुरा कल ही शामिल हो गया था, आज फिर उसमें बढ़ोतरी हुई है। तो ऐसे में सभी विभागों द्वारा कोरोना गाइडलाइन का कड़ाई से पालन कराने जाने के निर्देश दिए गए। इस वक्त हम मथुरा जंक्शन पर मौजूद हैं जो कि विश्व के स्टेशनों में शुमार है। आइए यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ की रेलवे पुलिस है या आरपीएफ है, आरपीएफ और जीआरपी द्वारा इस नियम का कितनी कड़ाई के साथ पालन कराया जा रहा है। और वैसे तो रेलवे के अगर अधिकारियों की बात करें तो रेलवे बोर्ड ने गाइडलाइन जारी कर दी है कि जंक्शन पर यदि कोई बिना मास्क के पाया गया तो उस पर 100 रुपये का फाइन लगाया जाएगा। आइए आपको ले चलते हैं मथुरा जंक्शन पर और देखते हैं क्या स्थिति है, कितने लोग मास्क लगा रहे हैं, कितने नहीं लगा रहे हैं और आरपीएफ या जीआरपी उसके पालन कराने में कितना सक्षम है, कितने लोगों का आज जुर्माना किया गया है। आइए चलते हैं मथुरा जंक्शन और देखते हैं कि यहाँ की क्या है ताज़ा स्थिति। ऐसा कहाँ जा रहे हो आप? आगरा। तो सर्विस करते हो? हाँ, आगरा मथुरा गोवर्धन में पुलिस। मास्क का? मास्क जो है अभी लगाया नहीं है। स्टेशन पर बिना मास्क? हाँ। मालूम है? नहीं नहीं। आपका हुआ चालान? नहीं अभी नहीं। पुलिस में इसलिए कोई नहीं कर रहा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों नहीं लगा रहे? तो आपका ही लगा लेता हूँ, मानता हूँ। पुष्प रज पांडे। कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं, छोड़ने आए हैं अपन किसी को। आ रहे थे बिलासपुर जी। किसे छोड़? यात्रियों को अपने। मास्क भूल गए स्टेशन पे बिना मास्क के 100 रुपये लेके आ रहा हूँ। क्या नाम है आपका? निर्मला। आपका मास्क? मास्क मालूम है 100 रुपये का जुर्माना हैगा। मास्क निकाल क्यों नहीं लगा? अरे अभी निकाल दिया था, खाना खाया था अभी, इसलिए निकाल दिया। कहाँ जा रहे हैं आप? अजी यात्रा कहाँ से कर रहे हैं? आगरा। आगरा जी। कहाँ से आए हो? मथुरा से जी। करते हो? अजी नहीं, पैसे जा रहे हैं जी मिलने जी। मास्क कहाँ? मास्क है सर, बस 100 रुपये का जुर्माना मास्क ना। सॉरी जी 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 बिल्कुल। 100 रुपये का जुर्माना जुर्माना लगा? नहीं लगा है। अच्छा, यहाँ कहीं देखा आपने लिखा हुआ कि मास्क लगाने पर 200 रुपये वगैरह कोई देखा पहले? नहीं लगा। कहाँ जा रहे हो आप? मैं तो स्टाफ से। अच्छा, स्टाफ से है, यात्रा नहीं कर रहे? नहीं नहीं। अच्छा, तो आपको मालूम है मास्क ना लगाने पर 100 रुपये का जुर्माना है और आप स्टाफ से हो तो उसी का फायदा उठा रहे हो? नहीं, एक्चुअली मुझे इतनी जानकारी नहीं थी। आपको जुर्माना भी नहीं लगता होगा? नहीं लगता होगा, क्यों नहीं, गलत काम करेगा तो लगेगा। आपके लगा अभी तक? ओ, हमने ऐसा कोई काम ही नहीं किया ना। स्टेशन पे बिना मास्क के घूम रहे? अरे तो यहाँ अभी कोई ऐसा वो तो बोर्ड तो लगा नहीं है, बगैर तो जानकारी नहीं है तो उसमें। अरे अब काय, मैं आरपीएफ में हूँ। आरपीएफ से क्या क्या देना बोलो? ये 20 रुपये का है। सवारियों को बेच रहे हो? हाँ। किस कैटर के आदमी हो? ललिता देवी। ललिता देवी के। आपका मास्क कहाँ है? जी है सर, मास्क टूट गया। कोरोना में खाने का सामान बिना मास्क के? हाँ, अरे बिना मास्क के नहीं है, मास्क टूट गया। देखो जी, देखो दूसरा तो मैंने इसीलिए तो मतलब मान लिया सर। देखो जी, जब से देख रहे हैं तुम लोगों को खाने का सामान बिना मास्क के, देखो जी टूट गया है। आपकी जेब में रखा हुआ है, आप खुले मुँह से खाने का सामान बेच रहे हो, रोक नहीं रहा आपको? हवाई लगाने के लिए तो उतारना पड़ेगा ना। और क्या है, ये आपको देख के लगा रहे। तो आपने देखा, हमने आपको मथुरा जंक्शन के अलग अलग प्लेटफार्म की अलग अलग तस्वीरें दिखाई, यहाँ
दर्जनों यात्री ऐसे थे जिनके कोई किसी की परवाह नहीं, बड़े लापरवाह अंदाज में कोई फ़ोन पर बात कर रहा है, कोई बैठा है, कोई खाना खा रहा है। ये तो यात्रियों की बात रही, और जब उनसे पूछा तो आपने खुद ही सुन लिया कि कोई कह रहा गलती हो गई, कोई कह रहा फूल आए, किसी ने कहा कि यहाँ पर कोई बैनर पोस्टर ही नहीं लगे, उन्हें पता ही नहीं है कि यहाँ कोरोना के लिए बचने के लिए मास्क लगाना ज़रूरी है। चलो ये तो रही आम आदमी की बात, लेकिन आपने देखा रेलवे विभाग के भी बहुत से ऐसे अधिकारी कर्मचारी हैं वो भी लापरवाही बरत रहे हैं, और पुलिसकर्मी देखे आपने चाहे वो GRP के हों या RPF के, खुद जिनके पास इसकी ड्यूटी है कि लोगों को मास्क लगवाना है नहीं लगाने पर उनका चालान करना है, वही लोग खुद इसका उल्लंघन कर रहे हैं। तो बताइए कि फिर इस कानून का कड़ाई से कैसे पालन होगा। इसके अलावा यहाँ जो स्टॉल हैं वहाँ पर जो बैठे हुए हैं सेल्समैन, वो भी बड़ी लापरवाही अंदाज में ग्राहकों को यात्रियों को सामान दे रहे हैं, लेकिन उनके पास मास्क नहीं है। और जो यहाँ सफाई कर्मी हैं वो भी बड़े लापरवाह अंदाज में दिख रहे हैं। बहुत से अपने सफाई कर्मियों को तस्वीरों में आपने देखा, वो कह रहे हैं कि हमने अभी हटाया था, भीग गया था, यानी सब बहाना ढूंढ रहे हैं। जब हमने कैमरा लगाया, माइक लगाया, तो बचने के लिए बहाना ढूंढने लगे। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जिस तेज़ी से ये बीमारी बढ़ रही है, उसी अंदाज में अगर हम बात करें मथुरा जंक्शन पर, यहाँ जिस पर सतर्कता होनी चाहिए, सावधानी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ लापरवाही बरती जा रही है। चाहे वो कर्मचारी हों, चाहे वो पुलिसकर्मी हों या आम आदमी, हर कोई इसको लेकर अभी गंभीर नहीं है, जबकि इस बीमारी से बचने के लिए गंभीरता का होना बेहद जरूरी है। जीना न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन दिलीप वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा। हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे YouTube चैनल G9 News को अभी सब्सक्राइब करें। फॉलो अस ऑन Facebook G9 News, Twitter @G9 News, फॉलो अस ऑन Instagram G9 News, विजिट अस आवर वेबसाइट www.g9.in।